और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का दिल्ली को जगह जगह पर पुलिस के साथ झड़प भी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, विरोध मार्च के चलते नोएडा में धारा 144 लागू की गई है, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जाम लगा है। और ये तस्वीरें देखिए, बैरिकेडिंग लगाई गई है, भारी संख्या में यहाँ किसान मौजूद हैं और किसान मुआवजे की मांग को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोका गया है। और आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ किसान मौजूद, हालांकि सुबह से ही जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई। नोएडा में धारा 144 भी लागू कर दी गई है, नोएडा ग्रेटर नोएडा में कई रूट को डायवर्ट भी किया गया है। और अब किसानों का ये कहना है कि आज वो दिल्ली कूच करके रहेंगे। आपको ये भी बता दें, जब बैरिकेडिंग हटाने की किसानों की तरफ से प्रयास किया जा रहा था, उसके बाद कई किसानों को हिरासत में भी लिया गया। यहां विरोध की तस्वीरें सामने आ रही है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और बड़ा सवाल यह है कि अब आगे किसान क्या करेंगे, क्योंकि हर बॉर्डर पर यहां पर रोकने की कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से, प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल यहां मौजूद है और किसान विरोध मार्च कर रहे हैं। और यहीं पर देखिए किसान बैठ रहे हैं, किसान बैठ गए हैं, उनका कहना है कि जब तक उन्हें प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिलेगी वो विरोध जताते रहेंगे। हालांकि लंबे समय से ये मांग चल रही है और ये तस्वीरें आपको नोएडा की हम दिखा रहे हैं। आप देखिए भारी संख्या में यहाँ किसान मौजूद है और हमारे साथ हमारे सहयोगी यूसुफ खान जुड़ चुके हैं लाइव। यूसुफ, तस्वीरें इसके पहले भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और अभी जो तस्वीर मैं देख पा रही हूँ, भारी संख्या में यहाँ किसान एकजुट हो गए हैं। अब आगे क्या रणनीति, क्योंकि पुलिस बल यहाँ रोकने की पूरी कोशिश, बैरिकेडिंग लगाई गई है, कैसे आगे पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, जो इस समय पुलिस ने ये जो अंबेडकर पार्क है इसके आसपास जो है मेन रोड पर ही करीब इतनी तीन लेयर की जो बैरिकेडिंग है वो लगाई गई है। और ये एक बहुत पुख्ता व्यवस्था जो है वो पुलिस की तरफ से की गई है कि किसी भी तरीके से जो लोग हैं उनका मूवमेंट आगे की तरफ नहीं हो सके, क्योंकि जो पहली बैरिकेडिंग महामाया फ्लाईओवर पर लगाई थी वहां पर एक जो पुलिस का जो दस्ता था वहां पर लोग जो है इकट्ठे हो गए थे, लेकिन पुलिस ने काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान जो है वो इतने अग्रेसिव हो गए और इतनी तादाद में थे कि वो पुलिस बल की जो व्यवस्था थी वो बौनी पड़ी। और उसके बाद में तब जाकर के जो किसान है वो आगे बढ़े, तब जाकर के आप ये सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये करीब 5 से 6 लेयर की जो बैरिकेडिंग है जो यहाँ पर ये लगाई गई है। इसके अलावा साथ में पीछे कंटेनर्स और गाड़ियों को ला करके यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। फिलहाल जो किसान है वो यहाँ पर बैठ गए हैं, क्योंकि जो तादाद आप देख रहे हैं सामने तस्वीरों के जरिए, काफ़ी तादाद में जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। और जो इस जो आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं सुखबीर खलीफा, वो यहाँ पर मौजूद है, वो माइक के जरिए लोगों को संबोधित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और दिल्ली कूच का ऐलान किया है और उनके लिए जो प्रशासन ने किलेबंदी की है उसको लेकर के वो दिल्ली जाना चाहते हैं। फिलहाल वो प्रशासन से भी यही बात कहते हुए नजर आए हैं कि किसी भी तरीके से उनकी जो मांगे हैं, जो किसानों का हक है, वो सरकार और प्राधिकरण उनको दे दे तो वो अभी वापस लौट जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो दिल्ली की तरफ मूव करेंगे। सरकार चाहे कितनी ही बैरिकेडिंग लगा ले, पुलिस प्रशासन की चाहे कितनी व्यवस्था हो, उसको चुनौती देते हुए जो सुखबीर खलीफा है वो यहाँ जरूर नजर आए हैं। लेकिन यहाँ पर करीब हजारों की संख्या में जो लोग यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, नौजवान हैं, वो सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो पुलिस की तरफ से भी चाक चौबंद व्यवस्था है वो की गई है। हालांकि अभी जितना जो जिस तरीके से देखा गया था, जो अधिकारी थे, जो नोएडा पुलिस के अधिकारी थे, जो जिला प्रशासन के अधिकारी थे, वो किसानों का जो काफिला आगे बढ़ रहा था तो उसमें जो किसान नेता हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसान नेता किसी अपनी पूरी तरीके से जिद पर अड़े हुए हैं, वो किसी भी तरीके से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो या तो दिल्ली जाएंगे या उनकी मांगे जो है वो मानी जाएंगी। इसको लेकर के किसान नेता अभी सामने अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। जी बिल्कुल यूसुफ, सबसे बड़ी बात है कि क्या बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं न्यूज 24 पर, आप देखिए भारी संख्या में, हालांकि अब प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है, आप देख रहे हैं कई लेयर की यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई गई है। अगर संभव हो पा रहा है यूसुफ, किसानों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि आगे वो क्या रणनीति, क्या यहाँ पर प्रशासन ने जो बैरिकेडिंग लगाई है तो अब क्या रास्ता निकालें।
जी बिल्कुल, जो किसान है उनसे जो हमारी बात हुई है उनसे यही बात हुई है कि किसानों ने ये कहा है कि हम लंबे अपने जो हकों की लड़ाई है वो लंबे समय से लड़ रहे हैं, 30 से 35 साल हमको इस लड़ाई को लड़ते हुए हो गए, लेकिन प्रशासन से हमारी कई सैकड़ों बार वार्ता हुई है, हमने सैकड़ों आंदोलन किए हैं, लेकिन जो प्रशासन है जो सरकार है वो हमारी बात नहीं सुन पा रही है। तो अब हम स्टेट से जाकर के अब हम सेंट्रल में जो बैठी हुई सरकार है, केंद्र सरकार है, उसको अपनी बात कहना चाहते हैं। संसद का हम जाएंगे और संसद की तरफ कूच करने का हमने इसलिए ऐलान किया था कि जो केंद्र के लोग हैं वो हमारी बातों को समझेंगे, और क्योंकि हम कोई जिस तरीके से हम लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर इन अधिकारियों को इन सरकार को अगर हमारी बात जो है वो माननी होती तो अब तक मान ली होती, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो अब मौजूदा सरकार है इसी में इनकी ये समस्या है, उससे पहले भी कई सरकारें रही हैं उसमें। तो बिल्कुल यूसुफ, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब किसान सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि कई दौर की बातचीत पहले भी हो चुकी है। आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। रुकते एक छोटे से